दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड ने किया न्यूजीलैंड का घमंड चकनाचूर। आखिरी ओवर में रौंद कर खुशी से झूम उठे इंग्लैंड के खिलाड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोइन अली ने भारत के लिए अपना झुकाव दिखाते हुए भारतीय फैंस और भारत का न्यूजीलैंड पर बदला पूरा करने का ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान दिया जिसे सुनकर न्यूजीलैंड खेमे के होश उड़ गए। तो क्या कहा है मोइन अली ने जिसे सुनकर आप भी उन्हें दिल से सलाम करेंगे और हम आपको दिखाएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में कौन विश्व कप में शतक लगाएगा? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अपने सभी मैच जीतकर न्यूजीलैंड का घमंड सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो किसी को भी आसानी से हरा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड, जिसे आज जीत हासिल करना अपने सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी था और इंग्लैंड ने धमाकेदार पलटवार करते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन बनाए तो फिर गेंदबाजी करते हुए ऐसा कोहराम मचाया जिसके आगे कीवी टीम महज 159 रन बना पाई और इंग्लैंड ने आखिरी ओवर में ये मैच अपने नाम कर लिया, जिससे भारतीय टीम को भी बड़ा फायदा हुआ और हो सकता है कि न्यूजीलैंड और भारत का सेमीफाइनल मुकाबला ना हो। लेकिन मैच जीते ही इंग्लैंड के खिलाड़ी खुशी से झूमने लगे और जिसमें मोइन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत के बाद भारत को याद करते हुए भारतीय फैंस का धन्यवाद दिया और भारत का न्यूजीलैंड पर बदला पूरा करने को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप सभी दिल से खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मोइन अली ने कहा कि आप मेरी खुशी का ठिकाना नहीं लगा सकते हैं। हमारे लिए ये जीत कितनी अहम थी इस बात का अंदाजा सभी को था, लेकिन हमने इसे हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाया है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। जब मैच शुरू हुआ था तब अधिकतर लोगों ने न्यूजीलैंड को फेवरेट बताया था, लेकिन इससे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ बल्कि हमें अपने आप पर और अधिक भरोसा हुआ कि हम न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं और हमने उन्हें हराकर ना सिर्फ सेमीफाइनल में जाने की अपनी उम्मीदों को और मजबूत किया बल्कि भारत का बदला भी ले लिया जिसके लिए भारतीय टीम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमें पता है कि न्यूजीलैंड उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है और वो किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, इसीलिए हमें न्यूजीलैंड को किसी भी कीमत पर हराना था क्योंकि पूरा भारत देश हमें सपोर्ट कर रहा था। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन सभी भारतीय समर्थकों का जिन्होंने हमारे इस जीत में हमें सहयोग दिया है और अंत तक हम पर भरोसा जताया। भारतीय समर्थकों से ज्यादा प्यार आपको कोई भी नहीं दे सकता है, ये दुनिया में हर कोई जानता है और हमें वो प्यार मिला, हम खुश नसीब हैं और न्यूजीलैंड को हराकर भारत का बदला ले पाए हमें और भी ज्यादा खुशी है। तो दोस्तों, मोइन अली का ये बयान बेहद हैरत अंगेज था, लेकिन भारत में इतना क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी के लिए भारतीयों से प्यार करना तो लाजमी है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम फाइनल में अपनी जगह बना पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।